आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और हाँ जी, आपके लिए खुशखबरी है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारे स्पेशल गेस्ट के रूप में आए हैं सीए पवन अरोड़ा जी, जो कि एडवोकेट भी है और पीएचडी चैम्बर के इनडायरेक्ट टैक्स कमेटी के को चेयरमैन है। तो सर, पहली बात तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आए, इसके लिए हम आपका बहुत शुक्रगुजार है। और हम अपने सब्सक्राइबर के बिहाफ पर आपसे कुछ सवाल पूछेंगे जीएसटी को लेकर। ऐसे सवाल पूछेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, जैसे कि अगर हम बात करें अभी रेजिडेंशियल को लेकर, रेंट पर क्या होगा जीएसटी, क्या नहीं होगा। तो हमारे सब्सक्राइबर के लिए हम क्या करते रहते हैं, यूट्यूब पर क्वेश्चंस डालते रहते हैं कठिन कठिन, तो इसी तरह के सवालों का सामना आपको करना पड़ेगा सर जी। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि अभी जैसे कि इन्होंने बोला है कि आरसीएम लगेगा, ठीक है, अगर हम प्रॉपर्टी किराए पर दे रहे हैं तो आरसीएम में टैक्स लगेगा। तो उसमें ना एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल सिचुएशन है। सिचुएशन क्या है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, ठीक है ना, मेरे पास जीएसटी नंबर है, मैंने अपना जीएसटी नंबर ले रखा है, लक्ष्मी नगर दिल्ली में मेरी प्रैक्टिस है। अब मैंने क्या करा, मेरा जो घर है जो मैंने रेंट पे लिया हुआ है वो मैंने नोएडा में लिया हुआ है, मैं उसका रेंट पे करता हूँ लेट सपोज 50,000 रुपये महीना, ठीक है, और जो मेरा ओनर है वो अनरजिस्टर्ड व्यक्ति है। तो अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अनरजिस्टर्ड व्यक्ति अगर आपको कोई सर्विस दे रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है, ठीक है ना, तो उसके ऊपर आरसीएम आ जाएगा। तो क्या इस वाले केस में मेरे ऊपर आरसीएम आ जाएगा सर? देखिए, अगर मैं आपके प्रश्न को थोड़ा सा और मॉडिफाई करूं तो ये बहुत क्वेश्चन आ रहा है कि मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैंने अपने एक रहने के लिए घर लिया है, तो इसकी दो सिचुएशन हो सकती है कि एक कंपनी ने, जी जी, एक कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज के लिए या डायरेक्टर के लिए रहने पे घर लिया, राइट राइट, और वो रजिस्टर्ड पर्सन है। तो अभी तक तो क्योंकि रेजिडेंशियल ड्वेलिंग अगर रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज होती है तो उस पर टैक्स नहीं था, बट अब सरकार ने बोला कि अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन को देते हो राइट, तो उसके ऊपर अब आपको टैक्स लगेगा और रजिस्टर्ड पर्सन को उसको आरसीएम में देना है, राइट। ये तो एक सवाल है सिंपल सा, लेकिन इसमें कॉम्प्लिकेशन कहां आ रही है, एक प्रोप्राइटर को लेकर के बहुत बिल्कुल मुश्किलें आ रही है कि क्या प्रोप्राइटर, क्योंकि प्रोप्राइटर भी रजिस्टर्ड पर्सन है, मान लीजिए कोई बिजनेस कर रहा है अपना, हाँ। आप जैसे आप भी अगर मान लीजिए अगर आपने एक सीए फर्म खोली हुई है और रजिस्टर्ड पर्सन है, बट आप एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपने घर में रह रहे हैं, तो आपका खर्चा जो है पर्सनल एक्सपेंडिचर है वो आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में भी डेबिट नहीं करते, आपका घर का रेंट आपको थोड़ी ना डेबिट मिलता है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रोवाइडर के। तो जब वो प्रोप्राइटरशिप का खर्चा ही नहीं है, एक आप पर्सनल कैपेसिटी में ले रहे हो, तो इनकम टैक्स में भी अलग अलग कैपेसिटीज होती है, आप अपनी पर्सनल कैपेसिटीज में अगर ले रहे हो घर को किराए पे, तो मेरे हिसाब से वो टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि आप बीइंग ए पर्सनल कैपेसिटी में घर ले रहे हो, ना कि रजिस्टर्ड पर्सन की कैपेसिटी में। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अगर आप प्रोप्राइटरशिप में अगर किराए के घर में रहते हो और उसका खर्चा अपने पीएनएल में डेबिट नहीं करते, वहां से कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं करते, वो पर्सनल यूज है, तो वो सप्लाई ही नहीं बनेगा सेक्शन 7 के हिसाब से, और वो पर्सनल नेचर का है, तो आपके ऊपर उस पर जीएसटी नहीं आएगा। सर, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। क्वेश्चन क्या करते हैं कि लेट सपोज हमारी एक कंपनी है फिनटेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, अब हमने क्या कर रखा है, हमने डायरेक्टर के लिए या एम्प्लॉयज के लिए कोई गेस्ट हाउस ले रखा है कि भाई हमारे डायरेक्टर एम्प्लॉयज उसमें रुक जाए, और वो जो खर्चा है हम पीएनएल में डेबिट करते हैं, ठीक है, पीएनएल में हम उस खर्चे को डेबिट करते हैं, और जो हमारा लैंडलॉर्ड है वो अनरजिस्टर्ड है, अब हम उस पर आरसीएम देने को भी तैयार हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि हम आरसीएम तो दे देंगे, लग जाएगा, क्या हम उसका आईटीसी ले पाएंगे? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, आज की डेट में ये भी सबका सवाल आ रहा है कि ठीक है, हम आईटीसी हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं, तो क्या आप आरसीएम जो हमने टैक्स पे किया उसका क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए, ये क्वेश्चन फैक्ट्स पे भी डिपेंड करता है, बट जो फैक्ट्स आपने आप बोले बिल्कुल कि मेरा गेस्ट हाउस है, हाँ, गेस्ट हाउस भी अगर रेगुलरली एम्प्लॉय रह रहे हैं, डायरेक्टर रह रहे हैं पर्सनली तो नहीं है, बट जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, कुछ कंपनीज का रेगुलर विजिट्स होता है उनके गेस्ट का, जी, मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इंजीनियर्स आ रहे हैं बाहर से, या फॉरेन कंट्री से कस्टमर्स आ रहे हैं, इंजीनियर्स आ रहे हैं, तो आप उसको बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, राइट, तो उसमें तो अनडाउटली आपको आईटीसी मिल जाएगा, ठीक है। बट अगर मैं बोलूं कि आपने एम्प्लॉयज के लिए लिया रेंट पे और एम्प्लॉय रह रहा है उसमें, पर्सनली रह रहा है पर्सनल नेचर के लिए, तो उसपे अभी मैं और डेप्थ में थोड़ा सा इसको स्टडी कर रहा हूँ कि
क्रेडिट मिलना नहीं चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, बट मुझे ऐसा लग रहा है ये प्राइम एफ एस आई बिजनेस बिजनेस है क्योंकि मैं पीएनएल में खर्चा डालता हूँ पीएनएल के लिए, बट क्योंकि उसमें अगर आप 17.5 में देखेंगे तो एक पर्सनल कंजम्पशन नेचर का भी है। अब उस पर भी एक काउंटर आर्ग्यूमेंट डेवलप हो सकते हैं कि क्योंकि जो पर्सनल नेचर के खर्चे हैं वो स्पेशली डिसअलाउड है, मान लीजिए फूड है, हेल्थ इंश्योरेंस है, आपने एम्प्लॉयज के लिए लाइफ इंश्योरेंस लिया तो उसके लिए स्पेशल डिसअलाउंस है। तो जब आप एम्प्लॉय के लिए घर पे घर किराए पे ले रहे हैं तो क्या वो उसको पर्सनल कैटेगरी में डाल देंगे या बिजनेस कैटेगरी में डालेंगे, ये सवाल है देखने वाला, बट इसको डेफिनेटली एक आपके फैक्ट पे अप्लाई करके देखा जाए। देखिए अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, इसमें सोचना पड़ेगा, आपके फैक्ट्स को चेक करना पड़ेगा। अब जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम अपने एम्प्लॉयज को जो उनका घर देते हैं किराए पर या उसे हम सीटीसी का पार्ट बना देते हैं, परक्विजिट बोल देते हैं, तो अगर कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है जिसमें आप ये कह रहे हो कि भाई ये मेरे बिजनेस का खर्चा है, ये मेरी उनकी सीटीसी का पार्ट है, ये मेरी जिम्मेदारी है, अगर मैं उसे वो घर नहीं दूंगा तो शायद वो मेरे पास जॉब ही नहीं करेगा। परफेक्टली, तो अगर इस कुछ इस तरह के अरेंजमेंट है तो वहां पर बट ऑब्वियस आईटीसी मिल भी सकता है, लेकिन अगर कुछ ऐसा हुआ कि भाई नहीं ये सिर्फ एक रिइंबर्समेंट टाइप है या पर्सनल नेचर है तो हो सकता है कि आपको आईटीसी ना भी मिले, लेकिन आपको ये समझना होगा कि अगर बिजनेस का खर्चा है पीएनएल में डाल रहे हो इस टाइप का खर्चा तो आपको आईटीसी मेरे हिसाब से। आपने इसको परक्विजिट से अच्छा एड ऑन किया, मैं जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ इस पॉइंट पे उसको उसके साथ भी एड ऑन किया कि अभी आपने देखा होगा एक नया सर्कुलर आया जी कि अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए कुछ परक्विजिट एज पर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो टैक्सेबल नहीं है। बिल्कुल, तो मैं उसी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं वो इस बात को मान रहे हैं कि ये मेरा बिजनेस एक्सपेंडिचर है। बिल्कुल, तो अगर उसको उसके साथ कनेक्ट करें तो शायद कुछ और भी हमें हेल्प आउट मिलेगी। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि इसमें क्या होगा, ठीक है, कुछ व्यूज है मिलेगा, अगर मैं बोलूं सर मैं तो कहूंगा कि मिल जाएगा, बाकी एक बार देखने पे पता चलेगा कि क्या चीज़ डिपेंड करे। अच्छा सर, इसमें ना एक क्वेश्चन और निकल कर आता है, आप बताना ये सिचुएशन कैसी है। मैं एक अनरजिस्टर्ड पर्सन हूँ और मेरी एक प्रॉपर्टी है कमर्शियल और एक प्रॉपर्टी है मेरी रेजिडेंशियल, मतलब एक मेरा ऑफिस है और एक मेरा घर है, वो मैंने आपको किराए पर दे दिया जी, ठीक है, मैंने दोनों ही आपको किराए पर दे दिया, घर भी दे दिया, ठीक है ना, और आपको प्रॉपर्टी कमर्शियल भी दे दिया जी। अब आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, लेट्स सपोज आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, आपने उस घर को यूज करा डायरेक्टर्स वगैरह के लिए, आप उस पर आरसीएम पे कर रहे हो, लेकिन जो मेरी कमर्शियल प्रॉपर्टी मैंने आपको दी क्या उस पर भी आप आरसीएम पे करोगे? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, शायद सरकार से कुछ छूट गया है। हाँ। क्योंकि अगर आप आरसीएम की एंट्री देखें तो एक्चुअली वो क्योंकि रेजिडेंशियल पे टैक्स लाए तो उन्होंने आरसीएम में भी रेजिडेंशियल ही लिख दिया। बिल्कुल, लेकिन अब इंटरेस्टिंग ये आया कि सिचुएशन लेते हैं कि आपने जैसे सिचुएशन बताई कि सामने वाला ने तो 20 लाख की लिमिट से नीचे है, उसने रजिस्ट्रेशन ले ही नहीं रखा, और एक तरह उसने आपको रेजिडेंशियल भी दी हुई है और कमर्शियल भी दी हुई है, तो आरसीएम खाली रेजिडेंशियल पे है। बिल्कुल, बट जैसे ही सरकार को ये समझ आएगी कि अरे हमने तो कमर्शियल को छोड़ दिया जबकि रेजिडेंशियल पे टैक्स लगा दिया, और यही सिचुएशन अगर हम देखते हैं तो कमर्शियल प्रॉपर्टी छूट रही है, बट यस आज की रेट में कमर्शियल पे कोई आरसीएम नहीं है, सिर्फ रेजिडेंशियल। तो सर का कहना यह है कि ये गवर्नमेंट से गलती हो गई है। गवर्नमेंट से गलती नहीं गए, एक्चुअली क्या है कि ये जब आरसीएम की एंट्री तैयार हो रही थी तो क्योंकि उस समय टैक्सेशन दिमाग में था रेजिडेंशियल का। हाँ, और अब इस पे मैं दो बातें और थोड़ा एड ऑन कर दूं। एक तो शायद हमारा डिस्कशन यही चलता आ रहा है कि अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड, ऐसा नहीं है कि अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड को मिले। अगर आप पहले से ही रजिस्टर्ड है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इसको पहले इस एग्जांपल से पहले एक चीज और बता देता हूँ कि आरसीएम की एंट्री में अब अगर जैसे पहले क्या था कि आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कमर्शियल यूज के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, राइट, तो लैंडलॉर्ड टैक्स दे रहा था उसको। तो मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपका ये सीए का ऑफिस है, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को रेजिडेंशियल ड्वेलिंग पे ऑफिस रन करने की परमिशन है। बिल्कुल है। तो आपने लैंडलॉर्ड से घर लिया हुआ था, आप उसको 3 लाख रुपए महीना इस ऑफिस का रेंट देते हैं, राइट, तो उसकी 36 लाख की रेंटल इनकम हो गई, उसने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ और इज चार्जिंग जीएसटी फ्रॉम यू, ठीक है। अब जब आरसीएम की एंट्री लाए तो पहले तो टैक्सेबिलिटी लाए कि अब रेजिडेंशियल पर्पस, मान लीजिए यही आपने रेजिडेंशियल के लिए एम्प्लॉय के लिए लिया होता तो एग्जम था, आरसीएम में उन्होंने दोनों कवर कर लिए, राइट, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल अब कमर्शियल हो रहा है तो भी आपको ही आरसीएम में देना है, ठीक है, और रेजिडेंशियल पर्पस के लिए हो रहा है तो अब तो टैक्सेबिलिटी भी आ गई और आरसीएम भी आ गई। इस केस में क्या हुआ कि जो लैंडलॉर्ड था जिसने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ था, मान लीजिए उसका काम ही यही था सिर्फ,
तो अब वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन सरेंडर कर सकता है, सरेंडर कर सकता है, क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टी है वो पहले कमर्शियल आपको खुद दे रहा था, अब वो आपके पास आरसीएम में आ गई। बिल्कुल। अच्छा सर, इसमें एक कंफ्यूजन ये नहीं आएगी क्या कि ये प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है, ये रेंट एग्रीमेंट के बेसिस पे डिसाइड होगा, ये कैसे डिसाइड होगा? क्योंकि अगर मैं मान लो लक्ष्मी नगर की बात करता हूँ, इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री रेजिडेंशियल हो रखी होंगी, लेकिन वो अभी भी कमर्शियल यूज के लिए है जी, तो इन चीजों को कैसे डिपार्टमेंट देखेगा? सर इसके ऊपर ना कपिल जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये सब कंप्लायंस करने के साथ साथ हमें शायद दूसरे लॉ को एड ऑन करके देखना पड़ेगा। बिल्कुल। अभी अगर मैं दिल्ली की बात कर लूँ तो दिल्ली में तीन तरीके की प्रॉपर्टी होती है, एक रेजिडेंशियल, एक कमर्शियल और एक मिक्स यूज। राइट। और दिल्ली में या कहीं पर भी अगर दिल्ली की मैं खाली बात कर लेता हूँ तो चार्टेड कुछ प्रोफेशनल्स को अपने घर में ऑफिस चलाने की परमिशन है, अदरवाइज ऑफिस वगैरह सील हो जाते हैं अगर वो चल रहे हैं तो रेजिडेंशियल एरिया में। ठीक है। तो लेकिन जीएसटी में ऐसा कुछ नहीं है सर। जीएसटी में ऐसा कुछ नहीं है। अब वो क्या रहा है कि मान लो आप किसी तरीके से मैनेज करके कमर्शियली उसको चला रहे थे, अब आप उठा करके आरसीएम पे कर दो। ठीक है। तो पता लगे आपको, आपने तो सर्टिफाई कर दिया अपने बुक्स में कि मैं उसका कमर्शियल यूज कर रहा हूँ, तो ये बड़ा एक मिक्स मैच क्वेश्चन है जिसको आपको संभालना पड़ेगा कैसे इसको मैनेज करें। ये भी आप किसी प्रोफेशनल से सलाह लेके ही करें। सर इसमें ना मेरा एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा था, क्वेश्चन को समझिएगा कि क्वेश्चन में क्या इशू है। मैं दिल्ली में रजिस्टर्ड हूँ सर, मैं दिल्ली में रजिस्टर्ड हूँ, लेकिन जो मेरा ओनर है, लैंड ओनर है, वो यूपी का है। ओके। ठीक है। और मैंने क्या कर रखा है, यूपी में ही एक प्रॉपर्टी ले रखी है किराए पर। ओके। लेकिन यूपी में मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं है, हो सकता है मैं वहां से एग्जाम सप्लाई कर रहा हूँ या मैं ऐसी सप्लाई कर रहा हूँ जिस पर जीएसटी लगता ही नहीं है। ठीक है। मैं मतलब कि यूपी में मेरे को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है ही नहीं, लेकिन हुआ क्या है कि मैं चूंकि दिल्ली में रजिस्टर्ड हूँ, ठीक है ना, तो मेरा जो लैंड ओनर है वो मुझे किराए पर दे रहा है, मुझे उस पर आरसीएम पे करना है। अब मैं आरसीएम पे करना चाहता हूं। अब अगर हम प्लेस ऑफ सप्लाई को देखें तो इस पर यह निकल कर आएगा कि भाई आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करना है, वो भी यूपी वाला। ठीक है ना जी। लोकेशन ऑफ सप्लायर यूपी है, प्लेस ऑफ सप्लाई यूपी है, तो आपको सीजीएसटी एसजीएसटी यूपी का पे करना है, लेकिन यूपी का पे करने के लिए मेरे पास यूपी में रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। तो क्या इस सिचुएशन में मुझे यूपी में नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा इस एंट्री की वजह से? देखिए सबसे पहले तो इसमें दो सवाल आपने जो मिक्स किए हैं जी। एक तो सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि इसमें ना एक साइकिल है, मतलब एक सर्कल है। सर्कल क्या है, हमें अगर आरसीएम में टैक्स पे करना है तो हमें रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। ओके। ठीक है। बट इसको हम उस नजरिए से नहीं देख सकते क्योंकि इसकी कंडीशन ही यही है कि आप रजिस्टर्ड है। हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर आप रजिस्टर्ड ही नहीं है तो आपको आरसीएम में टैक्स ही नहीं देना, क्योंकि आरसीएम में उसको देना है अगर रजिस्टर्ड हो। बिल्कुल ठीक। तो अगर आपके फैक्ट्स में मैं अप्लाई करूं तो अगर हम टैक्स प्लानिंग की बात करते हैं तो आपके नोएडा ऑफिस एक इंडिपेंडेंट यूनिट है। ठीक है। आपने दिल्ली में उसको, दिल्ली से आप टैक्सेबल बिजनेस करते हैं और नोएडा से एग्जम बिजनेस करते हैं, तो आपको रेंटल ये दिखाना पड़ेगा कि मैं नोएडा से मैनेज कर रहा हूँ, तो आपको आरसीएम देने की जरूरत है ही नहीं उसके लिए। अगर आप बोलोगे नहीं दिल्ली वाले ने लिया हुआ है तो फिर तो एक कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। बट अदरवाइज देखिए अगर इसको थोड़ा और जूम करके देखा जाए तो आपकी नोएडा प्रिमाइस ने लिया हुआ है। तो आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल छेड़ा, बहुत लोगों का होगा भी ये कि भाई मैं आज क्या करता हूँ, मैं दो स्टेट में, जैसे दिल्ली का एग्जाम्पल है, या तो तीन चार स्टेट एक साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो मैं दिल्ली में बैठा हुआ हूँ और मैंने एक नोएडा में भी ऑफिस खोला हुआ है, बट मुझे वहां रजिस्ट्रेशन लेने की इसलिए जरूरत नहीं थी क्योंकि मैं वहां से एग्जम बिजनेस कर रहा हूँ, एग्जम और दिल्ली से मैं टैक्सेबल बिजनेस कर रहा हूँ, तो क्या मैं रजिस्टर्ड पर्सन कंसीडर हूंगा नोएडा के लिए? तो क्योंकि आप अलग अलग हो तो डेफिनेटली, क्योंकि आपके पास नोएडा में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है इसके। लेकिन सर इसमें ना एक व्यू ये भी निकल कर आ रहा है कि भाई चूंकि आप रजिस्टर्ड पर्सन हो और जीएसटी में अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन मेरा पैन नंबर है जी, ठीक है, पैन नंबर के बेसिस पे माना जाता है, तो उसमें कह रहे हैं कि यूपी वाली यूनिट भी आपकी एक तरीके से रजिस्टर्ड पर्सन में मानी जाएगी। ठीक है, एक एंगल ये भी निकल कर आ रहा है, और आपको यूपी के अंदर भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और वहां पर आपको सीजीएसटी एसजीएसटी पे करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप चाहो तो वहां पर एक आईएसडी का रजिस्ट्रेशन लेकर, क्योंकि वहां पर यूज ही नहीं है कुछ,
तो आप या तो ISD का रजिस्ट्रेशन लो या कुछ भी करो, आप तब ट्रांसफर कर लो, लेकिन टैक्स पे करने के लिए आपको वहां रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, आप टैक्स से बच नहीं सकते। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को ना इस पर क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए। आपका व्यू जो आप कह रहे हो, देखिए पॉसिबल व्यूज तो है, बट इसका इसका एक हम बेस पे अगर जाएं तो GST लॉ ने आपके नोएडा में जो आपका काम चल रहा है और आपका जो दिल्ली में है, दोनों को अलग अलग माना है। तो जो रजिस्टर्ड पर्सन की बात चल रही है वो फिर उनको उसी तरीके से देखना पड़ेगा। जब आप लॉ बनाते समय ये बोलते हो कि नोएडा वाला अलग है दिल्ली वाला अलग है, तो RCM में टैक्स लेने के लिए आप दोनों को एक नहीं मान सकते। ओके, तो यहाँ पर ये देखना होगा कि भाई आप नोएडा में टैक्स देंगे और अगर देंगे तो क्या देंगे। हो सकता है जैसा सर ने बताया कि टैक्स ना भी लगे, तो इस पर ना कंफ्यूजन है सर, मेरे हिसाब से ये चीज गवर्नमेंट पे भी क्लैरिफिकेशन पे छोड़ देनी चाहिए। बिल्कुल नहीं नहीं हाँ, और देखिए क्या है कि अब ये नया टैक्स आया है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे, और अगर आपके व्यूअर्स आपसे टच में रहते ही हैं, आपसे पूछ ही सकते हैं। बिल्कुल, तो आपसे जब पूछेंगे तो डेफिनेटली आप, क्योंकि क्या होता है हर बार कई बार केस टू केस डिफरेंट होता है। बिल्कुल बिल्कुल, अब मैं यहाँ से कुछ बोल दूं, आपके व्यूअर्स ने उठा के उसको अप्लाई कर लिया, तो कोई फायदा नहीं। नहीं नहीं, मैं तो अपने हाँ। जो भी सब्सक्राइबर है उन्हें बोल देता हूँ कि भाई अगर एक्सपर्ट ओपिनियन लेना है। बिल्कुल, डेफिनेटली मैं तो यही कहूंगा कि अगर किसी का प्रैक्टिकल केस है ऐसा, जहाँ पर मैंने जैसे इन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि मैं तो दूसरे स्टेट में टैक्सेबल सप्लाई देता नहीं, तो मैं तो जरूर कहूंगा कि आप कपिल जी से एक बार जरूर सलाह ले लें, जो मेरे से या सर से या किसी से भी आप सलाह ले लें। सर अपनी एक एडवाइजरी फर्म चलाते हैं बहुत अच्छी, ठीक है ना, अथेना के नाम से, वहां से कंसल्टेंसी ले लें या कहीं से भी। मेरा मानना यह है, मतलब मैं स्टार लगा रहा हूँ कि दीज स्टंट शुड बी अप्लाई अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्सपर्ट, ठीक है ना। तो आप ये सारी सलाह लेने के बाद ही वर्क करें। हालांकि हमने कोशिश करी है सर कि सारे क्वेश्चन हम इस पे ले लें, इसमें अगर कुछ छूट गया होगा तो सर बताइए, नहीं तो हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं। आई थिंक अभी तक जो मैं कंट्रोवर्सी सुन रहा था इसके ऊपर, ये दो चार कंट्रोवर्सी थी जो आपने बहुत अच्छे से सवाल पूछ लिए हैं, बाकी तो कोई होगा तो आपसे डेफिनेटली आपके व्यूअर्स पूछ ही लेंगे। चलिए सर, थैंक यू। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करते हैं, और साथ ही सर का धन्यवाद करते हैं कि सर आपने अपना बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालकर हमारे YouTube चैनल पर आए और हमारे सब्सक्राइबर के क्वेश्चंस का जवाब दिया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और कमेंट डालकर हमारा उत्साह बढ़ाइए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।